दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का नाम ऑपोजिशन के तमाम लीडर्स में सबसे टॉप पर रहता है, क्योंकि आए दिन वो किसी न किसी मुद्दे में हाइलाइटेड होने की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। अब चाहे वो मामला ईडी समन से जुड़ा हो या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी डिग्री डेफामेशन केस से, ये सभी मुद्दे उनके गली की हड्डी बन चुके हैं। वो एक मुद्दे से बाहर निकलते नहीं कि दूसरे में फंसे हुए दिखते हैं। बीते दिनों ध्रुव राठी से जुड़े मामले में वो खूब चर्चा में रहे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा, जहां उन्हें माफी मांगनी पड़ी क्योंकि उनके द्वारा अपने एक्स हैंडल से ध्रुव राठी के एक इंटरव्यू का क्लिप शेयर किया गया, जिसमें ध्रुव राठी ने बीजेपी आईटी सेल के अगेंस्ट डिफेमेटरी रिमार्क्स दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में अपनी हरकत के लिए माफी मांगे जाने पर सभी को लगा था कि केजरीवाल के सर से मुसीबतें थोड़ी हल्की हुई होंगी, पर फिर ईडी ने उन्हें हिलाकर रख दिया। ईडी ने केजरीवाल को अब तक 8 समन भेजे हैं, जिसपे उनका फुल इग्नोरेंस रहा। उल्टा ईडी को ही गलत ठहराते हुए उन्होंने उनके द्वारा भेजे समन्स को इलीगल करार दिया है। जहां हम इन सब मुद्दों पर जिक्र कर ही रहे हैं, तो ऐसे में भला हम चीफ मिनिस्टर केजरीवाल और एलजी वीके सेना के बीच की खींचतान को कैसे भूल सकते हैं। एक बार फिर से दोनों के बीच ऐसा इंटेंस माहौल हुआ है, जिसमें दोनों ने ओपन लेटर्स के माध्यम से एक दूसरे को टारगेट किया है। आज हम इस मुद्दे को आपके सामने लेकर आए हैं। इस ओपन लेटर में कई ऐसे आरोप लगाए गए हैं एक दूसरे के ऊपर, जिसको आप सुनकर जरूर चौंक जाएंगे। वैसे तो चीफ मिनिस्टर केजरीवाल और एलजी वीके सक्सेना कोई मौका नहीं छोड़ते एक दूसरे को टारगेट करने का, पर अब लगता है कि पानी सर से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तभी एलजी वीके सक्सेना ने चीफ मिनिस्टर केजरीवाल को लताड़ते हुए एक ओपन लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने केजरीवाल के द्वारा लगाए गए सभी आरोप को रिजेक्ट किया है। साथ ही पूरी बुलंदी से उन पर गर्जे भी हैं। दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने अपने लिखे ओपन लेटर को एक्स हैंडल से शेयर करते हुए चीफ मिनिस्टर केजरीवाल को कड़ी चेतावनी दी है। एलजी वीके सक्सेना ने अपने लेटर की शुरुआत इस बात से की है कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा अडॉप्टेड यूनानिमस रेजोल्यूशन में ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि बीजेपी ऑनरेबल एलजी को कंट्रोल करती है। साथ ही इस तरह का ये स्टेटमेंट इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर को शो करता है। एलजी सक्सेना ने आगे अपने लेटर में कहा कि इस तरह का एलिगेशन न केवल प्रोप्राइटरी बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का वायलेट करता है, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को बदनाम कर रहा है, वो भी सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम के लिए। एलजी वीके सक्सेना रोड, इट इज अ क्लासिक केस ऑफ पासिंग द बक फॉर वंस ओन इनएफिशिएंसी ऑन अदर्स। एलजी ने चीफ मिनिस्टर केजरीवाल को सुझाव देते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर को वो बात हाउस प्रोसीडिंग की रिकॉर्डिंग से इम्पंच कर देनी चाहिए। इसके बाद जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने सीएम केजरीवाल को जबरदस्त घेरा है, वो है दिल्ली वाटर स्कीम का, जहां चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया था, क्योंकि उनका आरोप था कि वाटर बिल्स के रेट अभी बढ़ा दिए गए हैं, जिससे दिल्ली की जनता काफी परेशान हो रही है। इसी बात का जवाब देते हुए एलजी ने अपने लेटर के थ्रू कहा है कि मीडिया में ये बड़ा गलत परसेप्शन सर्कुलेट किया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर केजरीवाल और उनके एमएलएज द्वारा कि एलजी ने वाटर स्कीम को हॉल्ट किया हुआ है। मैं इस बात का स्ट्रांगली रिजेक्ट करता हूं कि ये हॉल्टिंग मेरे कारण हुई है, क्योंकि इस तरह का कोई भी लेटर इशू नहीं हुआ है मेरे ऑफिस से। सीएम केजरीवाल पर गुस्से में एलजी ने आरोप लगाते हुए कहा, योर स्टेटमेंट्स आर वाइट लाइज, अगेन एन एग्जांपल ऑफ टिपिकल अब्यूज एंड स्कूट गेम विच यू सीम टू हैव मास्टर्ड एंड मेड अ करियर आउट ऑफ, व्हाइल यू एंड योर गवर्नमेंट हैव डन नथिंग सब्सटेंटिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द दिल्ली एंड इट्स रेजिडेंट इन ऑलमोस्ट ऑल स्पेयर्स। एलजी वीके सक्सेना बस यही नहीं रुके, उन्होंने सीएम केजरीवाल के एक्शन पर भी डाउट रेज करते हुए कहा कि आपने 2013 के बाद से सेंटर में आने वाले सभी गवर्नमेंट्स, सक्सेसिव गवर्नर्स, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और यहां तक कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी दोषी ठहराया है अपने झूठ के बुने कहानियों द्वारा। एलजी ने अपने ओपन लेटर में दिल्ली जल बोर्ड के इशू पर और डिटेल में जाते हुए कहा कि ये दिल्ली जल बोर्ड, द अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट ट्रांसफर सब्जेक्ट का हिस्सा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये टोटली आपके कंट्रोल में है। ऐसे में ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए कि ये मेरी गलती के कारण हॉल्टेड है, और मैं ये रिकॉर्ड पर रखते हुए ये दावा करता हूँ कि इस मुद्दे से जुड़ा एक भी लेटर मेरे पास नहीं आया है आपके कंसर्न मिनिस्टर द्वारा। इसके बाद अपने लेटर में एलजी सक्सेना ने ऐसा खुलासा किया जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। दरअसल दिल्ली एलजी ने दिल्ली जल बोर्ड के मुद्दे पर ये स्टेट किया है कि दिल्ली जल बोर्ड के कंसर्न मिनिस्टर ने ये खुद पब्लिक डोमेन में कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड को लेकर 13 जून 2023 को रेजोल्यूशन पास हुआ, वहीं जबकि प्राप्त जानकारी से मालूम पड़ता है कि ये स्कीम तो 13 जनवरी 2023 को ही क्लियर कर दी गई थी। ऐसे में ये कितना गंभीर मुद्दा बन चुका है हाउस के प्रिविलेजेस के ब्रीच का। जिस एमएलए ने ये रेजोल्यूशन मूव किया है, जो कि खुद दिल्ली जल बोर्ड का प्रेसिडेंट भी है, ने हाउस के साथ कितना बड़ा धोखा किया है एक झूठ का सहारा लेते हुए। सीएम केजरीवाल पर आग बबूला हुए एलजी का गुस्सा यही शांत नहीं हुआ। उन्होंने चीफ मिनिस्टर केजरीवाल को घेरते हुए मेंशन किया कि आपको मैं पिछले 10 साल से बता रहा हूं कि दिल्ली जल बोर्ड आपके कंट्रोल में है,
तो ऐसे में झूठी अफवाहें क्यों फैलाई गई? आपने दिल्ली की जनता को साफ पीने के पानी देने का प्रॉमिस किया है, पर आप खुद इसमें हिंड्रेंस डाल रहे हैं। एलजी के आरोपों के बाद अब बारी आती है सीएम केजरीवाल की, जिन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इस ओपन लेटर का जवाब देने में। और अपने लेटर की शुरुआत में ही एलजी वीके सक्सेना द्वारा दिए हार्श कमेंट्स पर बोले, सर आप और मैं दोनों ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर आज है, ऐसे में आपको शोभा नहीं देता कि आप इस तरह का ऑफेंसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम दोनों को मिलकर दिल्ली की जनता के हित में काम करना है। भले ही हमारे कोई भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस रहे हो और आगे भी रहें, पर हमें दिल्ली की जनता के प्रति हमारी जवाबदेही तो बनती है। दिल्ली जल बोर्ड के मुद्दे पर खुद को डिफेंड करते हुए चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ने एलजी को टोका और कहा, सर यू सी दैट द मैटर रिगार्डिंग द वाटर बिल कैबिनेट नोट हैज नेवर बीन ब्रॉट टू योर अटेंशन, हाउएवर आई हैव माईसेल्फ डिस्कस्ड दिस मैटर विथ यू मोर देन वंस एंड ब्रॉट इट टू योर नोटिस आफ्टर द ऑफिसर्स ऑफ दिल्ली जल बोर्ड, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट आर क्रिएटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बाय नॉट ब्रिंगिंग द प्रपोजल टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिस्पाइट द डायरेक्शंस ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज। सीएम केजरीवाल ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी सफाई और पलटवार करते हुए, उल्टा एलजी पर ही निशाना साधते हुए कहा, जब जीएनसीटीडी बिल पास हुआ है, सभी ऑफिसर्स जो जीएनसीटीडी एक्ट के थ्रू एम्प्लॉयड है, वो सभी के सभी आपके ऑर्डर और कंट्रोल में काम करते हैं। इन सब स्टाफ और ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट, परफॉर्मेंस, सस्पेंशन और ट्रांसफर, सभी की कमान आपके ही हाथों में है, ऐसे में आप कैसे बोल रहे हैं कि वो मेरे कंट्रोल में है? आपके ऑफिसर्स आपकी ओरली और रिटेन कही बात आपकी ज्यादा मानते हैं, ना कि मेरी। सीएम केजरीवाल यही चुप नहीं बैठे, उन्होंने एक एक करके इल्जाम पर इल्जाम लगाना शुरू किया एलजी के ऊपर। सबसे पहला इल्जाम ये लगाया गया कि जब से वीके सक्सेना दिल्ली के एलजी बने हैं, तभी से मोहल्ला क्लिनिक में सारे मेडिसिन और टेस्ट बंद किए गए हैं। हजारों बार मुझे ये बोला गया है कि फंड अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा पास नहीं किया गया है, जिसके कारण प्रोक्योरमेंट नहीं हो पा रही है। यही नहीं, हॉस्पिटल्स की भी हालत खस्ता हो गई है, जहां ओपीडी काउंटर्स पर कोई भी स्टाफ नहीं मिलता। वजह है डाटा एंट्री के सारे स्टाफ की टर्मिनेशन। सीएम केजरीवाल यही नहीं रुके, फिर आगे उन्होंने बस मार्शल वाले मुद्दे पर भी एलजी को फटकारा है और कहा है बस मार्शल को भी रिमूव कर दिया गया है। एज डीटीसी पेंशनर्स को भी टाइम पर पेंशन नहीं मिल रही है। ऐसा और ना जाने रोजमर्रा के कितने और प्रॉब्लम्स हैं जो आपके हाथों में है। आप इस तरह का सारा ब्लेम दिल्ली गवर्नमेंट पर नहीं डाल सकते। इसी तरह से दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल और एलजी वीके सक्सेना ने अपने मन की भड़ास ओपन लेटर के माध्यम से एक दूसरे को व्यक्त की है। अब आगे देखना होगा कि इन फ्यूचर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स।